हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल ऑफ यू आर गुड। बेटा, ये हम जानते हैं, जैसे ये समय जो चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, ना सिर्फ हम बाकी पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, लेकिन अगर इस टाइम को हम चाहते हैं तो चाहें तो सही ढंग से यूज कर सकते हैं। आप इस टाइम को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। इसलिए मैं आज हिंदी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। सो यू लिसन एंड वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड लर्न थिंग्स। वॉट एवर यू हैव डाउट आई विल क्लियर इन जूम क्लासेस और इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर वन। वह चिड़िया जो इस कवि यह एक कविता है जिसे केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में मैं पहले आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 में कामासिन बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जैसे युग की गंगा, लोक और आलोक, नींद के बादल आदि। उनका निधन 22 जून सन 2000 में हुआ और इस तरह वो उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से वह चिड़िया जो एक कविता आपकी पुस्तक में दी हुई है। अगर आप देखेंगे, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो यह वसंत का पाठ एक है और इसमें इसमें आपको वह चिड़िया जो के बारे में। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन सो यू विल सी द चैप्टर वन। ओके, सो एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल द चैप्टर आफ्टर वॉचिंग। सो वेट दिस। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। हर एक कविता में, जैसे कि आपने क्लास 5th में भी पढ़ा होगा, हर एक कविता का एक संदर्भ होता है, एक प्रसंग होता है और व्याख्या होती है। तो मैं इस कविता का सबसे पहले संदर्भ बताना चाहती हूँ आपको। संदर्भ आप इसका है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग एक के पाठ एक वह चिड़िया जो नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। प्रसंग इसका है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। वास्तव में उन्होंने अपने मन में एक चिड़िया को कल्पना करके बताया है और उस चिड़िया के माध्यम से हमें कुछ मनुष्य जाति को कुछ संदेश दिया है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में किस तरह गुणों को उतारना चाहिए और किस तरह गुणों को अपनाना चाहिए। अब मैं पहली कुछ पंक्तियों का, फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ बता रही हूँ। कवि कहते हैं कि मैं उनकी कल्पना में एक छोटी सी चिड़िया है जो बहुत ही प्यारी है और नीले पंखों वाली है। वह चिड़िया अपनी चोंच से दूध भरे मीन्स अधपके कच्चे, तो वह चिड़िया जो है वह कच्चे दानों को, अधपके दानों को अपनी चोंच से बड़ी रुचि से और बड़े प्यार से खाती है। वह बहुत ही संतोषी है, वह छोटे से थोड़े से दानों में ही संतोष कर लेती है। उसे कुछ ज़्यादा चीज़ों का लालच नहीं है, वह थोड़े से ही चीज़ में संतोष कर लेती है। वह छोटी सी चिड़िया जिसे दूध भरे अर्थात कच्चे अधपके जौ और बाजरे की बालियाँ पसंद हैं, वह थोड़े से ही खाने में बहुत संतोष महसूस करती है। वह छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है जिसे अन्न से, अनाज से बहुत
प्यार है। वास्तव में इस पैराग्राफ के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल जी ने मनुष्य को यह बताना चाहा है, संदेश देना चाहा है कि हमारे पास जो जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में संघर्ष करना है तो हमें जितना है हमारे पास उतने में ही खुश रहना चाहिए और संघर्ष करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अब हमारे पास जितना है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। सेकेंड पैराग्राफ है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि आगे कहते हैं कि वह छोटी सी चिड़िया, जो छोटी सी चिड़िया उनकी कल्पना में है, वह अपना कंठ खोलकर गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, पुराना जंगल जो है उसे वह अपना बाबा मानती है, और वह छोटी सी चिड़िया अपना गला खोलकर जब वह आज़ाद होती है तो बहुत ही खुश होती है, और वह छोटी सी चिड़िया पुराने जंगल में बैठकर आज़ाद होकर बहुत ही खुश होकर इस तरह गाती है जैसे उसने अपनी आवाज़ में सारा रस सारी खुशियाँ उड़ेल दी हैं। वह नीले पंखों वाली चिड़िया बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मुँह बोली है, उसे विजन से अर्थात एकांत से बहुत ही प्यार है। इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि इंसान की अगर बोली कड़वी है तो वह अपनों के बीच भी पराया बन जाता है, लेकिन अगर इंसान की बोली मीठी है तो वह पराए लोगों को भी अपने बस में कर सकता है। अर्थात हमें अपनी वाणी में मिठास रखना चाहिए, हमें मधुर बोलना चाहिए, हमें दूसरों से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आगे केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि वह छोटी सी चिड़िया वह बहुत ही साहसी है, उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। वह जानती है, जानते हुए भी कि नदी उफन रही है, अर्थात उफनती हुई नदी है, अर्थात जिसका पानी लेवल से ऊपर है, ऐसी नदी, उफनती नदी के विषय में जानते हुए भी वह मोती के समान जल की बूंदों का दिल टटोलती है, अर्थात उसके मन को छूती है, उससे आज्ञा मांगती है, और उफनती हुई नदी में जाकर भी साहस दिखाती है और वहाँ से मोती के समान जल की बूंदों को अपनी चोंचों में भरकर अपनी प्यास बुझा लेती है। इस तरह चिड़िया को स्वयं पर बहुत ही गर्व है, वह बहुत ही साहसी है, उसे नदी से लगाव है। वह नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस तरह कवि अपने अंदर एक छोटी चिड़िया की कल्पना करके चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर कर रहे हैं, महत्वपूर्ण गुणों को बता रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए। हमें साहसी होना चाहिए, हमें स्वाभिमानी होना चाहिए, हमें दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार रखने चाहिए, मधुर वाणी बोलना चाहिए और कभी दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल जी ने बहुत ही प्यारा संदेश दिया है। तो आगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि कविता से प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आई वांट टू रिपीट द मीनिंग ऑफ ऑल द पैराग्राफ्स। ओके, सो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने यह कविता लिखी है, संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक के पाठ एक वह चिड़िया जो नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से
कवि ने अपने मन में कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों, महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संदेश दिया है। प्रस्तुत अब अर्थ बताना चाहूँगी मैं। कवि कहते हैं कि उनके विचार में एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी चिड़िया है जो अधपके अनाज को अर्थात अधपके कच्चे जौ और बाजरे की बालियों को खाना पसंद करती है। वह अधपके अनाज के दानों को बहुत ही रुचि से बहुत ही खुशी पूर्वक खाती है। वह छोटी सी संतोषी चिड़िया है, उसे थोड़े से अनाज में ही संतोष हो जाता है, बहुत ही संतोषी है। इस तरह वह नीले पंखों वाली चिड़िया है जिसे अन्न से बहुत प्यार है, अनाज से बहुत प्यार है। इस तरह कवि बताना चाहते हैं कि हमें जो है, हमारे पास जो भी है, हमें उसमें संतोष करना चाहिए, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे कवि कहते हैं कि वह छोटी सी चिड़िया है जो अपना गला खोलकर अपनी मधुर वाणी से सारा अर्थात उसको बहुत ही खुश है। आज़ाद होकर जंगल में जाकर वह जब गाती है तो वह बहुत ही खुश होती है और इस तरह वह अपने अंदर की सारी खुशियां अपनी आवाज़ में उड़ेल देती है और उसकी आवाज़ को सुनकर लगता है जैसे उसने सारी खुशियां अपनी आवाज़ में उड़ेल दी हैं और वो बूढ़े जंगल के खातिर बहुत ही मधुर गीत गाती है। वह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया है जिसे एकांत से बहुत प्यार है, अर्थात वह एकांत वन में बैठ कर गाना पसंद करती है। आगे कवि कहते हैं कि वह छोटी सी चिड़िया चढ़ी नदी को अर्थात फंती हुई नदी से उसके मन को टटोल कर उसे आज्ञा लेकर मोती के समान जल की बूंदों को अपनी चोंच में भरकर अपनी प्यास बुझा लेती है। वह बहुत ही गर्वीली अर्थात उसे स्वयं पर गर्व है, वह स्वाभिमानी चिड़िया है, वह नीले पंखों वाली चिड़िया है जिसे नदी से बहुत प्यार है क्योंकि वह नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाती है, इसलिए उसे नदी से बहुत प्यार है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता के माध्यम से बताना चाहा है कि मनुष्य के अंदर भी हमारे अंदर भी जो गुण है हमें उन्हें सामने लाना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें साहस के साथ विषम, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हमें अपने साहस को खोना नहीं चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए और हमें जितना कुछ है हमारे पास हमें उसमें संतोष करना सीखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सबको इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा और मैं इस कविता का अर्थ और प्रश्नमाला मैं आपको जूम क्लासेस में और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करूंगी। तो आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।